अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो जी जनाब, आज हम क्या बनाने जा रहे हैं? आज हम बनाने जा रहे हैं खट्टी मीठी इमली की चटनी। तो खट्टी मीठी इमली की चटनी तो हम कैसे बनाते हैं, तो हम आपको दिखाते हैं अपने तरीके से। तो यहाँ पे हमने ले लिया है 2 गिलास के बराबर, हमने लिया है यहाँ पानी। पानी जो है यहाँ पे थोड़ा सा चूल्हा हम तेज कर लेंगे ताकि पानी जो है पक जाए। और यहाँ पे जो है हम यहाँ पे ये देखें, बिल्कुल 2 चुटकी के बराबर हमने यहाँ लिया है कलर, फूड कलर। ये फूड कलर हमने शामिल कर दिया है। तो यहाँ पे इसको हम चला लेंगे ताकि कलर जो है अच्छे से इसमें डिजॉल्व हो जाए। और यहाँ पे हमने ले लिया है 1 चम्मच, हमने लिया है चिल्ली फ्लेक्स, कुटी हुई मिर्चें लाल वाली, ये हमने ऐड कर दी है। और ये हमने लिए है यहाँ पर जीरा पाउडर भुना हुआ और पिसा हुआ, तो ये भी हम यहाँ शामिल कर देंगे। 1 चम्मच हमने लिया जीरा पाउडर और ये 1 चम्मच हमने लिया है यहाँ पर कुटा हुआ धनिया, तो ये भी हम यहाँ शामिल कर देंगे। और इसको हम यहाँ पकाएंगे। और इमली का पल्प ले लिया है हमने, जिसको हमने छान लिया है, छान के इसका हमने पल्प निकाल लिया है, तो ये भी हमने शामिल कर दिया है। अब इसको 10 से 15 मिनट तक हम पकाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो है देखे उबाल आना शुरू हो गया है। तो हमने यहाँ पे 10 से 15 मिनट तक इसको पकाना है ताकि अच्छे से सब चीज़ें जो है इसमें डिजोल्व हो जाए। और बहुत ही अच्छे से ये चटनी बन के तैयार होगी। खट्टी मीठी पकौड़ों के साथ खाएं, समोसों के साथ खाएं, रोल के साथ खाएं, बहुत ही ज़बरदस्त सी चटनी बनती है ये। ये देखें, तो मिर्चें जो है आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा पसंद है तेज़ तो आप ज़्यादा तेज़ डाल सकते हैं, यानी कि 1.5 चम्मच कर सकते हैं। और अगर आप कम खाते हैं तो फिर आप इतने ही डाल सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 10 मिनट होगा इसको पकते हुए। अब यहाँ पे जो है हम यहाँ गुड़ शामिल कर रहे हैं, तो आप चाहें तो यहाँ चीनी भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन हम बना रहे हैं इमली और गुड़ की चटनी। तो ये गुड़ की चटनी बहुत ज़बरदस्त बनेगी। तो यहाँ पर हमने गुड़ डाल दिया है, अब 5 मिनट हम इसको और पकाएंगे। तो यहाँ पे अब हम शामिल करते हैं, 2 से 3 मिनट हमने हो गए पकाते हुए। तो यहाँ पे हमने लिया है काला नमक, तो काला नमक यहाँ पे हम शामिल कर रहे हैं। आप अपने टेस्ट के हिसाब से शामिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे अब हम शामिल करेंगे अरारोट पाउडर। अरारोट ले लें या कॉर्नफ्लावर ले लें जो आपके पास हो। तो यहाँ पे हमने 2 चम्मच लिया है ये अरारोट पाउडर। तो यहाँ पे अब हम पानी डालेंगे इसमें, थोड़ा सा पानी डाल के इसका हम लिक्विड सा तैयार कर लेंगे। गुठलियाँ नहीं रहना चाहिए यहाँ पे, हम लिक्विड से यहाँ बना लेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये हमने बिल्कुल लिक्विड, देखें बिल्कुल तैयार हो गया हमारा ये अरारोट का कॉर्नफ्लावर या अरारोट जो भी आपके पास हो। तो देखें इतना थिक सा हमें जो इसका लिक्विड तैयार करना है। तो अब हम शामिल करते हैं उसमें। यहाँ पे पूरे इसको जो है 15 मिनट हो चुके हैं पकते हुए। तो आप देख सकते हैं माशाल्लाह बहुत ही अच्छा सा कलर आ गया है इसमें। तो अब हम यहाँ पे जो है डालते हैं जो हमने लिक्विड तैयार करके रखा है। तो एक हाथ से हम चलाएंगे और एक हाथ से हम डालेंगे ताकि इसमें गुठलियाँ ना बने। तो इस तरह आहिस्ता आहिस्ता डालें आप। इसका एक थिक सा हमें पेस्ट तैयार करना है अच्छा सा, ये हमने सब डाल दिया है। तो आप देख सकते हैं ये कितना थिक सा ज़बरदस्त सी जगह इसमें पेस्ट बन के तैयार हो रहा है। और इसको बस हमें यहाँ पे 5 मिनट तक चलाना है। 5 मिनट बाद फिर हम डिश आउट करेंगे। तो जी बस ये आप देख सकते हैं 5 मिनट हो गए हमें इसको यहाँ चलाते हुए। तो ये देखें कितना अच्छा सा थिक सा इसका बिल्कुल पेस्ट तैयार हो गया है। बहुत ही ज़बरदस्त सी चटनी है ये, और खट्टी मीठी चटनी है, बहुत ही मज़ेदार सी। तो आपको ये रेसिपी पसंद आए तो आप ज़रूर इसको ट्राई करिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, अगर लाइक नहीं किया है तो लाइक भी कर लें, और अपना फीडबैक लाजमी छोड़ा करें प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन के बटन को क्लिक कर लें ताकि मेरी हर आने वाली नई रेसिपी आपको बआसानी मिल सके। तो चले जी यहाँ पे हम करते हैं डिश आउट। बहुत ही अच्छी सी चटनी यहाँ पे बन गई है पकौड़ों के लिए, समोसों के लिए। चले जी अब चूल्हा हम करते हैं बंद। तो जी बस ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह ज़बरदस्त सी देखें चटनी बन के तैयार हो गई है।
तो ये देखें इसमें जो है ना साबुताना और कुटी मिर्चे और काला नमक, इसका बहुत ही अच्छा बहुत ही ज़बरदस्त सा टेस्ट आता है। तो ये आज की रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स करके लाजमी बताइएगा, और मैं इससे भी अच्छी अच्छी रेसिपियाँ आपके लिए लाती रहूँगी, और इसी तरह आपको जो है नए नए तरीके से रेसिपीज आपको ईजी तरीके से और आसान तरीके से आपको मैं बताती रहूँगी। तो अभी जो है ये हम इसको थोड़ी देर रखेंगे आधा घंटा, तो आधे घंटे बाद ये और ठीक हो जाएगी। अभी तो देखेंगे इतनी हुई है, इससे थोड़ी सी ये और हो जाएगी, तो बहुत ही अच्छी लगती है पकौड़ों के साथ, और पकौड़ों के साथ रोल समोसों के साथ तो आप रमज़ान में खाएं, मज़े उड़ाएं और अपनी फैमिलीज को भी खुश करें। तो फिर मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ, हिना को दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।